चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज की भी ऑटो न्यूज नंबर 9। आज की सबसे पहली न्यूज आ रही टाटा की तरफ से। तो कई सालों बाद, मतलब बहुत टाइम के बाद, टाटा जो है वो नंबर 2 पोजीशन पे आ गई है, मतलब पैसेंजर व्हीकल सेल्स के मामले में। अब टाटा दूसरे नंबर पे आ गई है, इन्होंने हुंडई को बीट कर दिया है, जहां पे दिसंबर के अंदर टाटा ने 35,300 यूनिट कार सेल की है, वहीं पे हुंडई ने केवल 32,312 यूनिट ही सेल की हुई है। तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोनों के अंदर, लेकिन फिर भी ओवरऑल सेल अगर देखी जाए पूरे साल की, तो टाटा ने हुंडई को इस साल बीट कर दिया है और वो अब मारुति सुजुकी के बाद इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कार सेलर बन गए हैं। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब इंडिया की कंपनी भी निकल के आ रही हैं और इतने अच्छे से ग्रोथ दिखा रही हैं, और हम बस यही होप करते हैं कि जो ये ग्रोथ है ये कंटिन्यू रहे और हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं वो इसी तरीके से लगातार ग्रोथ दिखाती रहें। और इसी के साथ दोस्तों, टाटा जो है अब शायद अल्टरनेटिव फ्यूल वाली जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी जल्दी लेके आने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टिगोर सीएनजी की। तो टिगोर का सीएनजी वेरिएंट इन्होंने टीज किया है, एक टीजर डाला है ट्विटर के ऊपर, जो टीजर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही बहुत जल्दी आपको टियागो और टिगोर का सीएनजी वेरिएंट टाटा की तरफ से देखने को मिलने वाला है। जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, अगली खबर आ रही बजाज की तरफ से। तो बजाज की जो नई वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाली है, जिसका नाम हस्क्वर्ना होने वाला है और ये चेतक बेस्ड ईवी है, तो इसकी भी टेस्टिंग की जा रही थी, जहां पे इसको फिर से स्पॉट किया गया है। और दोस्तों, अगली खबर आ रही हीरो की तरफ से। तो हीरो ने 2021 के अंदर इंडिया के बाहर देशों के अंदर लगभग 2.89 लाख बाइक्स को बेचा हुआ है, मतलब सीरियसली ये नंबर काफी बड़ा है अगर आप देखते हैं। और दोस्तों, अगली खबर आ रही है ओकाया की तरफ से। तो ये एक कंपनी है जिन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की हुई है, और इस स्कूटर की प्राइस इन्होंने 19,000 रखी हुई है, मतलब 90,000 रुपये इस स्कूटर की प्राइस है। और आपको ये स्कूटर सिंगल चार्ज के अंदर 200 किलोमीटर का रेंज भी दे सकती है, ऐसा कंपनी ने दावा किया है। बाकी यहाँ पे प्राइसिंग इन्होंने काफी अच्छी रखी हुई है, अगर ये सेम रेंज ये लोग दे पाते हैं तो। और दोस्तों, अगली खबर आ रही टेस्ला की तरफ से। तो टेस्ला अमेरिका के अंदर अपनी मॉडल एस और मॉडल 3 की 4.75 लाख यूनिट कार को वापस रिकॉल कर रही है, और इसके अंदर बहुत सारे मेजर सेफ्टी इश्यूज देखे गए हैं, जिसकी वजह से इन कार्स को टेस्ला रिकॉल कर रहा है। कुछ के अंदर कैमरा इशू है, जहां पे जो वायर है वो बोनट खोलने पे कट जा रही, जिसके बाद जो विजिबिलिटी है डिस्प्ले के अंदर वो ख़त्म हो जा रही है, और कुछ लोगों का जब बोनट है वो ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो फ्रंट की विजिबिलिटी है वो ख़त्म हो जा रही। इन सारे रीजंस की वजह से 4.75 लाख टेस्ला कार्स को टेस्ला रिकॉल कर रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी ऑटो न्यूज़ ख़त्म होती इधर ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।